What's up guys, this is Sherif from Reaction TV 121. पहले तो आप सबको दिवाली और बाकी फेस्टिवल्स, हैप्पी न्यू ईयर, राखी, होली और भी जितना भी कुछ है भैया दूज, सब की बहुत बहुत बधाइयां। आई होप आप लोग अपने फैमिली के साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं और खूब मजे कर रहे हैं। आज जिस गाने को हम लोग डिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, आप लोगों ने थंबनेल में तो पढ़ लिया, उसका नाम है जुगनू, आर्टिस्ट है बादशाह और इसका म्यूजिक दिया है हितेन ने। इस गाने की खास बात क्या है? खास बात यह कि गाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसके अलावा ये जॉनर बड़ा अच्छा है। ये बेसिकली फंक जॉनर है, डिस्को जॉनर है, जो कि 1960s में स्टार्ट हुआ था। बेसिकली डांस म्यूजिक है, तो सुन के और बना के बहुत मजा आता है। अच्छा भाइयों, इस वीडियो में ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हम लोग रिएक्शन टीवी की टीम सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ और कॉन्टेंट आपके लिए लेकर आए। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमने बनाई थी कि व्हाट इज मेटा बाय फेसबुक एंड व्हाट फ्यूचर डज इट होल्ड्स फॉर अस। तो अगर आप ऐसे टॉपिक्स पे और वीडियो देखना चाहते हैं या अगर आप कुछ हमें सजेशन देना चाहते हैं कि हम अपनी वीडियोस में ऐसा चेंज करें, वो करें, ये करें, वो ना करें, तो प्लीज ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स और हमें नीचे लिखकर बताइए कि क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे इसको और अच्छा बना सकते हैं ताकि आप तक और पहुंचे। एंड आई विल मेक श्योर कि हम सारे कमेंट्स पढ़ें और उनका रिप्लाई भी करें। वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और देखते हैं गाना कैसे बना है। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने रिदम सेक्शन के साथ, जिसमें सबसे पहले ऐड करते हैं किक, उसी के साथ ऐड करते हैं एक स्नेयर, लेकिन इस स्नेयर में कुछ अटपटी सी चीज है, आप लोग सुन के देखो कि क्या है। तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि स्नेयर में भी लो एंड है। अब तुम लोग कहोगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, इसके अंदर ये चीज तो बनती नहीं है, लेकिन भाई इसको कह लो या फंक कह लो, इस जॉनर में जो ड्रम्स की साउंड है ना, उसमें सबसे ज्यादा काम किया जाता है, मतलब स्क्वैश्ड, ओवर कंप्रेस्ड और एकदम टाइट साउंड। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं हाई हैट्स, इस पे मैंने बिट क्रशर लगाया हुआ है। जिन लोगों को बिट क्रशर की नहीं पता कि क्या चीज है, ये बेसिकली आपकी साउंड्स को डाउनग्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ सैचुरेशन ऐड हो जाती है और साउंड बहुत अच्छी बन जाती है। इसके बिना क्या साउंड थी मेरी, ये सैम्पलेक्स मैंने बंद कर दिया और इसके साथ इसी के साथ ऐड करते हैं इसमें ड्रम रोल्स। सिर्फ चार एलिमेंट्स है रिदम में, कैन यू बिलीव इट। मे बी ओरिजिनल गाने में उसने लेयरिंग करी हो, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी ऐड करने की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ऐड करते हैं इसमें बेस लाइन। अब बेस लाइन का आपको एक चीज बताना चाहता था, जहां पे मेरी किक है वहां पे मेरी बेस नहीं स्टैंड कर रही है, तो दैट मीन्स जहां पे किक है और आगे जहां जगह खाली है वहां पे हमारी बेस लाइन आती है, तो ये इंटरलॉक होके चल रही है हमारी किक के साथ। बहुत ही सिंपल पैटर्न है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम मेलोडी सेक्शन में, जिसमें सबसे पहले ऐड करते हैं पैड्स। सिर्फ तीन कॉर्ड्स प्ले हो रही हैं इसमें, बी फ्लैट माइनर, हमारी ए फ्लैट, उसके बाद एफ शार्प और फिर से ए फ्लैट। अब ये मैंने प्रीसेट कहां से यूज किया है, ये है आर्चूरिया की तरफ से एनालॉग लैब और इसके अंदर 80s कारपेट करके प्रीसेट है, उसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा ऐसे यहाँ पे रेजोनेंस और मैंने इनवेलप 2 सस्टेन के साथ खेला था और डिके को थोड़ा सा बढ़ाया, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं किया। तो इसके साथ ही मैंने इसको लेयर दिए एक और पैड्स की, जिसके थ्रू मुझे थोड़ा सा मिड मिल रहा था। इसके बिना तो आप देख सकते हैं एक वो लो मिड्स में थोड़ी सी भरा, मतलब कुछ आ जाता है यार, अब क्या ही शब्द यूज करूं इसके लिए। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूं, मुझे इस वीडियो के अंदर थोड़ा तुम्हारा फीडबैक ज्यादा चाहिए, बिकॉज हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीजें चेंज करने का, ऑप्टिमाइज करने का, तो जरूर बताना। इसके बाद आती है इसके अंदर कुछ कीज। अब जुगनू गाना तो ये जुगनू की तरह ही टिमटिमाती हुई कीज है, इस गाने का जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है वो हितेन है। कुछ टाइम पहले मेरी शायद उनसे बात होती थी, इज अ वेरी जेन्युइन गाय, बहुत सॉर्टेड बंदा और बहुत अच्छा म्यूजिक कब से लगा हुआ है। इसके बाद ऐड करते हैं इसमें एक लीड, ये लीड मैंने यूज करी है जीटा से, Z3TA, ये केक वॉक की तरफ से एक बहुत पुराना VSC है, बट इसकी एनालॉग साउंड्स है, जिस एरा का ये जॉनर है उसी की साउंड्स इसके अंदर आपको काफी मिल जाती हैं। Thank you.
बहुत ही सिंपल सी एक लीड है, उसके बाद आता है इसमें एक एफएक्स राइजर है, और आते हैं हमारे बादशाह भैया के वोकल्स। सोचो न पास दो आती ढंग से सांस नहीं, चिड़चिड़ा सा रहता हूँ मैं, लगता कुछ विकास नहीं। चिड़चिड़ा क्यों रहते हो भैया, आप बिल्कुल जैसे हैं हमें बहुत पसंद है। एनीवेज इसी के साथ होता है हमारा गाना खत्म, और आइए सुन लेते। अच्छा एक बारी देख लेते हैं मास्टरिंग पे मैंने क्या क्या चीजें लगाई हैं, बिकॉज इस जॉनर में स्पेसिफिकली टाइट स्क्वैश साउंड बहुत अच्छी लगती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैंने यूज किया मॉडल 5000, जो लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने देखा था, ये API 2500 और SSLG बस का हाइब्रिड मॉडल है, जिसके अंदर से मैं सैचुरेशन यूज कर रहा हूँ, और सिर्फ 2-3 dB पे कंप्रेशन, वो भी नॉक मोड के साथ। नॉक मोड का जिन लोगों को मतलब नहीं पता है, ये बेसिकली किक ट्रिगर कर रही है मेरे कंप्रेसर को काम करने के लिए। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हो रहा, तो बेसिकली एक वो अच्छी पंप ले आता है ये। उसके बाद हम ऐड करते हैं एक रीलाइट प्रो, जो कि अगेन एक टेप सैचुरेशन प्लगइन है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन साउंड को बहुत ही अच्छी लो मिड्स को बहुत खूबसूरती के साथ बाहर ले आता है। स्नेयर पे ध्यान दीजिए, आपको उसमें ज्यादा पता लग जाएगा। मैं वोकल्स बंद करके सुना देता हूँ। इसके बाद मैंने ऐड किया इसके अंदर BX डिजिटल ब्रेन वर्क्स का एक मिड साइड EQ कह लीजिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा EQ करा है, बिकॉज करने की जरूरत थी, मुझे लो मिड्स में थोड़ा और बम्प चाहिए था। जरूरी नहीं है कि ये ट्रिक्स तुम्हारे गानों पे काम करे, लेकिन मेरी बात समझो भाई, तुम लोगों को गाड़ी चलानी सीखनी है, तुम्हें सिर्फ मेरी गाड़ी या अपनी गाड़ी नहीं सीखनी, तुम्हें पता होना चाहिए क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, रेस कहाँ है, ताकि किसी की गाड़ी में भी बैठो 5 मिनट लगे समझने में कि हो क्या रहा है, इसकी ब्रेक टाइट है, इसका क्लच टाइट है, लेकिन चला पाओ, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मोनो सेक्शन के अंदर अलग EQ यूज किया है, स्टीरियो सेक्शन के अंदर अलग EQ यूज किया है। EQ आप लोग देख सकते हैं मैंने टेढ़ा मेढ़ा किया। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया जी ओजोन का इमेजर। देखो इमेजिंग तुमने बहुत ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, और बहुत लोग तुम्हें बोलेंगे भाई विड्थ बना दे गाने की, बड़ा कर दे गाने को, बड़ा कर दे। मेरा ऐसा तरीका नहीं है, मैं सिर्फ इमेजिंग प्लगइन्स तब यूज करता हूँ जब मुझे स्पेस बनानी होती है वोकल्स के लिए। मतलब अगर मैं ये ऑफ करता हूँ ना, तो सारा कुछ मिड में बज रहा है, तो एक के ऊपर एक मोनो लेयरिंग हो रही है। मैं सुना देता हूँ कैसे, इसके बिना, ये बिना है, उसके साथ तुम लोग देख रहे हो कि मेरी हाई हैट साइड पे चले गई हैं, और मेरी किक और बेस को जगह मिल गई है। इसके बाद मैंने ऐड किया इसके अंदर क्लिपर, टीरैक का क्लिपर मुझे तो बहुत पसंद है, प्लस इस जॉनर के अंदर तो बहुत ही जबरदस्त लगता है। मैंने कुछ नहीं किया है, इसको स्लोप को थोड़ा हार्ड कर दिया, बिकॉज मेरे को हार्ड हिटिंग ड्रम्स चाहिए थे। और इसके बाद मैंने ऐड किया एक लिमिटर, दैट्स इट। तो आइए अब सुनते हैं पूरा गाना एक साथ कैसा साउंड कर रहा है। आया हूं सांस नहीं, चिड़चिड़ा सा रहता हूँ मैं, लगता कुछ भी खास नहीं। जिंदगी में आई जब से वाइब ही बदल गई, घूमता था मैं अपारा लाइफ से संभल गई। जिसको फाइनली वो होश आ गया, फाइनली फाइनली फाइनली। रहा ना पहले से शाय, समझ में कुछ ना आए, खुश हूं मैं इतना क्यों, तुझको तो फिर क्यों।
जैसे जी। ये वीडियो अच्छी लगी और आप हमारी कोई भी वीडियो फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते तो आज ही कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन टू, और हम लोगों को कर लो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।